Hey guys, welcome back to my channel Quirky Vlogs. Myself Anjali Thakur and I hope you people are doing great. और आपको पता ही है कि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, घर पे रहना है. तो घर पे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है. तो अगर आप घर पे रहोगे तो यार सब सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहोगे, दूसरे भी सेफ रहेंगे. और जैसा आपको पता है पूरा देश बंद है. अरे पूरा देश नहीं यार, पूरा भारत नहीं, मतलब पूरा दुनिया बंद है. तो आप लोगों को घर पे रहना है. तो अगर आप लोग घर से बाहर जा भी रहे हो कुछ ग्रोसरीज या कुछ लेने, तो आप लोगों को उस समय उस जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. इससे क्या होगा कि आप किसी और के टच में नहीं आओगे अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो. और मैं आप लोगों को एक चीज और याद दिला दूं कि वी पीपल आर नॉट लॉक्ड इन आवर होम्स बट वी पीपल आर सेफ एट आवर होम्स. तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग घर पे रहें, सेफ रहेंगे. और मुझे पता है आप सब बोर भी बहुत हो रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ. आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे प्रैक्टिकल्स एंड ऑल चल पड़े थे, उसके बाद फिर अब जाके ये क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, फिर मेरे पास कुछ था ही नहीं. फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लाई जाए जिससे आपका कुछ फायदा भी हो और आप बोर भी ना हो. फायदा ये है कि आप लोग अपना घर डेकोरेट कर सकते हो, इससे आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो अपनी हैंडमेड चीज. तो मतलब आइए शुरू करते हैं. मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं बना क्या रही हूँ. मुझे ये इंटरनेट पे मिल गया था इजीली, तो आप लोग बना सकते हैं. और मेरे पास इससे रिलेटेड स्टफ पड़ा था मेरे घर पे, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. ये है वो जो मैं बनाना चाहती हूँ और इजीली बन भी जाएगा ये. पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि है क्या. ये मेरे पास एक वुडन बॉक्स था जिसे आप देख रहे हैं, ये पीछे बॉक्स लगा है. इसमें मैंने पेंट करके इसको अच्छे से हैंग कर दिया, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है ये. और इसका ये वाला पार्ट है जो, बट मैं ये वाली स्टिक्स निकालने का ट्राई कर रही थी बट हो नहीं रहा था, तो मैं इसको एज इट इज यूज करूंगी, देखते हैं क्या बनता है. बाकी इससे पहले पेंट करके इस पे फिर कोट्स लिखूंगी. मैं आपको बस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप बस मुझे फॉलो करना और बोर नहीं होंगे. मैं इसका बिल्कुल गारंटी देती हूँ, आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे. जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस पे कलर कर दिया है और अभी इसको सूखने के लिए रखेंगे, बाकी उसके बाद कोट्स लिखेंगे इस पे. आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, मैंने ये कलर यूज किए हैं क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छे लग रहे थे. जो आपको पसंद हो आप वो कलर यूज कर सकते हो. मैंने पोस्टर अक्रैलिक कलर यूज किए हैं, तो अगर आपके पास कोई और कलर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. बाकी सूखने तक का वेट करते हैं, उसके बाद कोट्स. सूखने के बाद मैंने इस पे रफ हैंड से पेंसिल से लिखा है, मतलब कोट्स लिखे हैं मैंने, सर्च करके ये लिखे हैं. तो इसके बाद अब इसको ब्लैक कलर से हम इस पे आउटलाइनिंग करेंगे. तो तो गाइस सूखने के बाद मैंने इस पे आउटलाइनिंग की है, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा बना है. आई होप आप लोग ये घर पे ट्राई करेंगे. और अगर यार ट्राई करोगे ना तो कसम से टाइम पास तो हो ही जाएगा और ये आपके रूम को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकता है, करेगा आई नो. तो इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और अगली वीडियो जल्दी आएगी. थैंक यू.